सुना था सुनैना, करण का बोला था दामोदरी परिवार के पैसा लूटा था और यहाँ पे सबके लगा था भैया जबरदस्ती उ लोग से कर वसूलता। हमके बहुत पहले से ही पता रहल, आज जब तू करण के मुंह से सुन लेला तब दोनों चाचा भतीजा मिलके जेठ जी के पास जाना। भैया के ई सब बोले की हिम्मत का हमारे पास बा, तब अब सोच के का हुई वंश के नाम मिट्टी में मिलेगा। चाची जी पापा के तू बोलो ना। हम हाँ पापा तो तारा के बहुत दुलार करे लेन, पर अगर वो जाने के चाहिए कि तू कहाँ से सुन लो तो बोलिया कि हम बोलने वानी कि प्रजा लोग के बीच में बहुत बातचीत होता है सब लेके। ठीक बा, बोल के देखा। आपके जे भी कहले बा वो झूठ बात कहले बा मालिक, इतना साल से हम आपके मुंशी हई, का केहू कह सकता कि एको नौका पैसा दामोदर चौधरी एने से ओने कइले बा। नहीं करो तो अच्छा, तारा के हम विश्वास करे नहीं, वो विश्वास के अगर ठीक ठाक मर्यादा रख सको वही में हम खुश बने। तो फिर तू ओकरा के काहे डांटत रह, दूसरा के बात इतना आसानी से ना माने के चाहिए। जे हमरा की कहले बा वो हमर खूब विश्वास पात्र है महामाया। तहार मुंशी से भी ज्यादा विश्वास पात्र मान लो अगर ऐसने होके। मालिक तब तो हमरा के आज्ञा दी, इतना साल से राउर सेवा कैला के बाद हमरे से काबिल जदि कहू मुंशी आ गई होके तो ओकरे के अपन मुंशी बना ली। दामोदर दो दिन बाद जे जमींदार बन के राज सिंहासन पर बैठी ओकरा के का मुंशी बनावल जा सकेला। एकर मतलब के बोलले बा तोहके करण? हाँ लेकिन अपने ना केहू से बोलवाओले बा। ठीक बा तू आवा दामोदर, भविष्य में कोनो काम तनी सोच समझ के करिह। मालिक के जय हो। जानत अड़े नीलू उ जौन दामोदर मुंशी बा एगो चोर बा। का चोरी कैले बा दीदी? पैसा, जमींदार लोग के कर के पैसा। चोरी कैले बा उसे तोर का? हाँ चोरी करे चाहे वो कुछ भी करे, कम से कम ऐश में तो जियता। उ तो बा लेकिन चोर लोग के साथे हम ज्यादा दिन ना रहेनी। का बोलू? माँ बोलत रही ना लक्ष्मी चंचला, जौन लोग लक्ष्मी के पूजा करे ले सम्मान करे ले लक्ष्मी उनकर साथ रहेली। ओ तू भी का उहे लक्ष्मी बाड़ू का? हाँ और का, तू ही तो हमके हमेशा बोले लू। जाने लू लक्ष्मी तोहार जन्म महादेव के घर में भइल बा, तू बाड़ू महादेव के बेटी लक्ष्मी, ना बोले लू? आई हो दादा रे दादा। अगर तू महादेव के बेटी लक्ष्मी बाड़ू तो ये घर का ऐसा हालत का है बा, तू अपन महादेव के ना बोल सके लू? ठीक बा, कल सुबह मंदिर में जाके महादेव के सब बता दें।